आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान में मैं सुनील कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास समाज विज्ञान विद्या शाखा उत्तर प्रदेश राज्य असिस्टेंटन मुक्त विश्वविद्यालय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे व्याख्यान का विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत इस पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन आज हमारे व्याख्यान का शीर्षक प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत है इसके अंतर्गत आज हम पुरातत्व के विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में पुरातत्व का विशेष योगदान है पुरातत्व विद्या वैज्ञानिक तत्वों पर आधारित है भारत में इस विद्या का प्रारंभ यूरोपीय विद्वानों द्वारा किया गया भारत में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन भारतीय वस्तुओं का अध्ययन कर उन्हें एकत्रित किया गया और इनके साथ अनेक विद्वानों ने सहयोग किया जिसमें जेम्स प्रिंसेप, फर्ग्यूसन कनिंगम राजेंद्रलाल मित्र भाऊ भाऊदाजी जॉन मार्सल आदि अनेक विद्वानों के द्वारा इस क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य किया गया पुरातत्व को हम इतिहास निर्माण में दो रूपों में जानते हैं एक प्रतिपादक के रूप में तथा दूसरा समर्थक के रूप में प्रतिपादक के रूप में इस रूप में जानते हैं कि बिना किसी अन्य साधन के केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इतिहास का निर्माण किया जाता है जैसे प्राग काल संधो सभ्यता का का इतिहास खारबेल का इतिहास आदि सम्मिलित है समर्थक के रूप में इस रूप में साहित्य में उल्लिखित संदिग्ध इतिहास को पुष्ट करने हेतु पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रयोग किया जाता है जैसे पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ का जो उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में प्राप्त होता है धनदेव के अयोध्या अभिलेख से उसकी निश्चयात्मक पुष्टि हो जाती है पुरातात्विक दृष्टि से प्राचीन भारतीय इतिहास को निम्नलिखित तीन कालों में विभाजित किया गया है नंबर एक प्रागैतिहासिक काल जिसको प्री हिस्ट्री कहा जाता है वह काल जिसके विषय में पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन कोई अभिलेखीय अथवा साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इस काल के सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास का निरूपण पूर्णतः उत्खनन में प्राप्त अवशेषों के आधार पर किया जाता है नंबर दो आदितिहास प्रोटो हिस्ट्री यह वह काल है जिसके विषय में पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ अभिलेखीय सामग्री प्राप्त मिली तो हैं लेकिन अपठनीय है अथवा इसका इतिहास निर्माण हेतु अस्पष्ट है तीसरा ऐतिहासिक काल हिस्ट्री यह वह काल है जिसके विषय में स्पष्ट रूप से साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं जिनसे तत्कालीन घटनाओं का क्रमबद्ध निरूपण किया जाता है यद्यपि इनकी पुष्टि और प्रमाण हेतु तो पर पुरातात्विक साक्ष्य भी महत्वपूर्ण होते हैं पुरातात्विक स्रोतों से भारत के अनेक तथा कथित युगों पर प्रकाश पड़ता है एवं अनेक संदिग्ध ऐतिहासिक मतों का खंडन मंडन होता है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके अभिलेख मुद्रा तथा स्मारक सम्मिलित है अब हम अभिलेख पर चर्चा करेंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभिलेखों के अंतर्गत उन सभी प्राचीन लेखों को समाहित किया जाता है जो मिट्टी ईट पत्थर धातु अथवा लकड़ी आदि पर उत्कीर्ण है भारत में अभिलेख स्तंभ शिलाओं गुफाओं मूर्तियों पात्रों ताम्रपत्रों आदि पर प्राप्त होते हैं डॉक्टर बी ए स्मिथ ने भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोतों में अभिलेखों को सर्वाधिक प्रमाणिक तथा महत्वपूर्ण माना है प्रोफेसर रैपसन का मत है कि अभिलेख जिस काल और स्थान के, के राजनीतिक सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का ज्ञान कराने में अत्यधिक सहायक होते हैं भारत में अभिलेख चतुर्दिक प्राप्त हुए हैं अशोक के समय से अभिलेख पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने लगते हैं अब लेखों से शासकों के साम्राज्य तथा उसकी उसकी राजनीतिक स्थिति का भी का भी आकलन किया जाता है भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में सबसे प्राचीन अभिलेख एशिया माइनर के बोगाज कोई नामक स्थान से पाए गए हैं जो लगभग 1400 सौ ईसा पूर्व के 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 हैं इन अभिलेख में हित्ती और मितन्नी जातियों के मध्य हुई संधि संधि की शर्तों की रक्षा हेतु साक्षी के रूप में कर्मशा वैदिक देवताओं मित्र वरुण इंद्र तथा नासत्त का उल्लेख प्राप्त होता है इसके साथ ही ईरानी नरेश दारा प्रथम के बेहिस्तून परसिपोलिस तथा नक्शे रुस्तम अभिलेखों से भारत वर्ष के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर ईरानी आक्रमण का प्रमाण प्राप्त होता है भारत में प्राचीन लेख हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर प्राप्त होते हैं लेकिन हड़प्पा लिपि के अपठनीय होने के कारण इस इनका कोई ऐतिहासिक महत्व तो नहीं है भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं तीसरी शताब्दी पूर्व के अशोक के शिलालेख हैं अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम अठारह सौ सैंतीस ईस्वी में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल अधिकारी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सफलतापूर्वक पढ़ा गया था प्रसिद्ध इतिहासकार डी आर भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा है हरिसेण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी प्राप्त होती है इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली अभिलेख उसके बंगाल तथा वाहालिक प्रदेशों पर विजय की सूचना देता है 1510 ईस्वी का भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण माना जाता है इसके अलावा आप देखेंगे कि खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख उसके विषय में सूचना प्रदान करने का एकमात्र साधन है रामगुप्त की ऐतिहासिकता के विषय में दुर्जनपुर से प्राप्त जो प्रमाण है उसकी ऐतिहासिकता की पुष्टि करते हैं इसके साथ साथ आप देखेंगे अनेक और शासक हैं जिसके विषय में चाहे गौतमी बलसरी का नासिक गुहा अभिलेख हो जूनागढ़ कारुद्र दामन का अभिलेख हो ये इनके चरित्र तथा इनकी उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालते हैं अभिलेख जहाँ एक तरफ साम्राज्य सीमाएँ निर्धारित करने में सहायक सिद्ध हुए हैं वहीं दूसरी तरफ उसके राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सीमा की भी जानकारी प्रदान करते हैं इसके साथ साथ अनेक अन्य स्थानों से भी जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो अनेक शासकों तथा उनके साम्राज्य के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख में उसके मत सचिवों तथा कर्म सचिवों का उल्लेख प्राप्त होता है इसके साथ साथ अभिलेख जो है शासन व्यवस्था पर भी प्रकाश डालते हैं अभिलेखों से आर्थिक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती अनेक बंदरगाहों का भी उल्लेख प्राप्त होता है जिसमें नासिक अभिलेख जैसे नासिक अभिलेख में कच्छ तथा सोपारा का उल्लेख प्राप्त होता है इसके साथ ही आप देखेंगे गुप्तकालीन अभिलेखों में सार्थवाहों की चर्चा प्राप्त होती है जिसे व्यापारियों के दलों का नेतृत्व करने वाला बताया गया है चहमान अभिलेखों में उन्हें बाणाजारक अथवा बंजारा कहा गया है इसके साथ साथ अनेक अभिलेखों में श्रेणियों और उनकी कार्य पद्धति का भी अभिलेख प्राप्त होता है इसके साथ आप देखेंगे कि अभिलेखों से धार्मिक इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है शासकों की आस्था धर्म के प्रति उसका दृष्टिकोण आदि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है गुप्त अभिलेखों में गुप्त शासकों को बैषणों धर्मानुयायी कहा गया है इसके साथ साथ पाल अभिलेखों में पाल शासकों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है हेलियोडोरस का विदिशा अभिलेख विदेशियों के वैष्णव धर्म में दीक्षित होने का एक सशक्त तथा प्रबल प्रमाण माना जाता है यह अभिलेख संयम त्याग तथा अप्रमाद को स्वर्ग ले जाने वाला अमृत बतलाया गया है इसी के साथ मंदसौर अभिलेख में जुलाहों की श्रेणियों द्वारा एक सूर्य मंदिर निर्मित कराए जाने की भी जानकारी इस मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है अभिलेखों से साहित्यिक गतिविधियों की भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है इसके साथ साथ आप देखेंगे कि विदेशों से भी प्राप्त अनेक अभिलेख भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालते हैं जिसमें इस विशेष रूप से एशिया माइनर में बोगाज कोई नामक स्थान से 1907 में हांगो बिंकलर द्वारा जिसे खोजा गया था वो प्राप्त होता है जो एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है तो सामान्य तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि मोटे तौर पर कि अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास के सामाजिक राजनैतिक धार्मिक आर्थिक तथा अन्य पक्षों की जानकारी प्रदान करने का एक सशक्त तथा प्रभावी माध्यम है दूसरे पॉइंट के रूप में हम क्वाइंस यानी सिक्कों पर चर्चा करेंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास के अध्ययन में मुद्राओं का विशेष स्थान है प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने अभिलेखों के बाद मुद्राओं को सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत के रूप में बताया है डॉक्टर दिनेश चंद सरकार का कथन है कि इतिहास के स्रोत स्रोत के रूप में मुद्राओं का महत्व उन देशों में कम महत्वपूर्ण है जहां प्रारंभिक काल का नियमित लिखित इतिहास उपलब्ध है लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्संरचना में उनका योगदान अमूल्य है क्योंकि इस उपमहाद्वीप ने अपने प्रारंभिक काल में एक भी हेरोडोटस या थ्यूसीडाइडीज अथवा लिबी एवं टेसिटस जैसा इतिहासकार उत्पन्न नहीं किया प्रसिद्ध मुद्रा शास्त्री डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने भी इसी प्रकार का मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि भारत में हमारे पास ऐसा पर्याप्त प्राचीन साहित्य नहीं है जो आधुनिक इतिहास बोध के अनुसार ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत कर सके हम शासकों उनके नामों वंशों विचारों तथा कार्यों के विषय में बहुत कुछ नहीं जान पाते पर सिक्कों के माध्यम से उपर्युक्त तथ्यों पर कभी कभी अत्यधिक जानकारी मिलती है अतः मुद्राएं इतिहास के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्रभावी हैं भारत में मुद्रा का प्रचलन ईसा पूर्व आठवीं शताब्दी में माना जाता है भारत की प्राचीनतम मुद्राएं आहत मुद्राएं मानी जाती हैं जो स्थानीय तथा धार्मिक चिन्हों से युक्त हैं इसके बाद आप देखेंगे इंडो ग्रीक शक कुषाण सातवाहन गुप्त आदि वंशों तथा स्थानीय गणराज्यों की बहुसंख्यक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं इन मुद्राओं का निर्माण सोना चांदी तांबा तथा मिश्रित धातुओं से किया गया है भारतीय इतिहास के अध्ययन में मुद्राओं का महत्व तो अनेक दृष्टियों से उपयोगी एवं विचारणीय है जिसमें नंबर एक राजनीतिक इतिहास इतिहास की दृष्टि से मुद्राएं अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करती हैं मुद्राओं पर राजा का नाम वंश उपाधि राज्य चिन्ह तिथि धर्म चिन्ह आदि अंकित रहते हैं जिनसे उनके वंशविच्छ शासनकाल तथा धार्मिक विचारों आदि का पता चलता है गुप्त शासक कांच नागवंशीय भीम नाग स्कंदनाग आदि अधिकांश इंडो ग्रीक राजाओं के विषय में एकमात्र सूचना सिक्कों के द्वारा ही प्राप्त होती है कौशाम्बी विदिशा अयोध्या उज्जैन आदि के शासकों के नाम पांचाल यौधे आदि का इतिहास पूर्णतः मुद्राओं से ही ज्ञात होता है मुद्राएं विशेष घटनाओं पर भी प्रकाश डालती हैं समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम की मुद्राओं पर यूप तथा महसी की आकृतियां तथा प्राकर्म लेख प्राप्त होता है ये मुद्राएं इन राजाओं के द्वारा अश्वमेध के अवसर पर जारी की गई होंगी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली की तथा रजत मुद्राएं उसकी उसकी पश्चिमी भारत के ऊपर विजय की सूचना देती हैं नहपान की मुद्राओं पर गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम यह प्रकट करता है कि गौतमी पुत्र ने नहपान को पराजित कर उसकी मुद्राओं पर अपना नाम अंकित कराकर उन्हें फिर से जारी करा दिया था शकों की मुद्राओं पर प्राप्त होने वाले दो नाम कर्मशा महाक्षत्रप और छत्रप के नाम है। सिक्के राजाओं की व्यक्तिगत रुचियों पर भी प्रकाश डालते हैं जैसे समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त की बीड़ा अंकित मुद्राएं उसके संगीत प्रेम को प्रकट करती हैं इसके साथ साथ आप देखेंगे समुद्राएं राजाओं के साम्राज्य विस्तार का भी ज्ञान प्रदान कराती कर हैं एक स्थान पर प्राप्त एक राजा की बहुसंख्यक मुद्राएं उस स्थान पर उसका अधिकार प्रकट करती हैं पर मुद्राओं के आधार पर साम्राज्य विस्तार निर्धारित करने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि मुद्राएं व्यापारियों के माध्यम से दूर दूर तक की यात्राएँ करती हैं एक राजा की बहुसंख्यक मुद्राएं उसके दीर्घकालीन शासन एवं अल्प मुद्राएं उसके अल्पकालीन शासन की सूचना देती हैं इसके साथ आप देखेंगे कि आर्थिक स्थिति के विषय में भी मुद्राएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती हैं राजा की बहुसंख्यक मुद्राएं उसके समृद्धशाली शासन का ज्ञान प्रदान कराती हैं गुप्त सम्राट कुमार गुप्त की बहुसंख्यक मुद्राएं स्वर्ण युग का संकेत देती हैं स्कंदगुप्त की मुद्राओं में स्वर्ण में अन्य धातुओं का मिश्रण होने लगा जो उसके समय में हुए हूण आक्रमण और अशांति का प्रतीक है भारत में प्राप्त रोम की मुद्राएं भारत तथा रोम व्यापार की सूचना प्रदान करते हैं इसके साथ ही आप देखेंगे सातवाहन शासक सातकर्णी की मुद्राओं पर जलपोत का अंकन प्राप्त होता है जो उसकी समुद्र विजय की सूचना तथा व्यापार की सूचना प्रदान करता है इसके साथ आप धार्मिक इतिहास के विषय में मुद्राएं महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं मुद्राओं से अनेक शासकों के विभिन्न धर्मों के प्रति उनकी दृष्टिकोण उनकी उनकी विचारधारा के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है अनेक राजवंशों के विषय में सिक्कों से उनकी धार्मिक आस्था के विषय में जानकारी प्राप्त होती है जिसमें आप देख सकते हैं कि विशेष रूप से कुषाण वंश के शासकों में जिसमें बीम कैटफिशस हुविस्क कनिष्क तथा वायसुदेव के सिक्कों पर ओईसो अर्थात शिव का अंकन प्राप्त होता है जिससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसका धार्मिक दृष्टिकोण किस प्रकार का था इसके साथ ही आप गुप्त वंश के शासकों के सिक्कों पर अंकित चिन्हों से अंकित उपाधियों से जिनमें परम भागवत प्राप्त होता है और सिक्कों पर लक्ष्मी गंगा दुर्गा आदि की आकृतियां प्राप्त होती हैं जिनसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनका धार्मिक दृष्टिकोण किस प्रकार का था इसके साथ ही सिक्कों से सामाजिक इतिहास पर भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है मुद्राओं पर उत्कीर्ण राजाओं की आकृतियाँ वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होती हैं इंडो ग्रीक राजाओं की राजाओं को उनके सिक्कों पर यूनानी वेशभूषा में दर्शाया गया है जिसमें कि कुषाण राजा अपनी मुद्राओं में उदीच भेष में अंकित है वे लंबा कोट पायजामा तथा बूट धारण कर यज्ञ वेदी में आहुति दे रहे हैं इस प्रकार से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि उन किस प्रकार से उन्होंने सामाजिक किस प्रकार से सिक्के सामाजिक इतिहास की सूचना देने में सहायक सामग्री के रूप में प्राप्त होते हैं चंद्रगुप्त कुमार देवी या राजा रानी प्रकार की मुद्रा में राजा रानी राजा रानी को सिंदूर दानी देते हुए दिखाया गया है यह मुद्रा विवाह संस्कार में सिंदूर दान के महत्व को प्रकट करता है इसके साथ ही मुद्राएं कला तथा सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें उनके निर्माणकर्ताओं की हस्त कुशलता का परिचय प्राप्त होता है प्रसिद्ध मुद्रा शास्त्री परमेश्वरी लाल गुप्त ने इंडो ग्रीक सिक्कों को हेलेनिस्टिक कला का सुंदरतम नमूना बताते हुए सातवाहन राजाओं के सिक्कों को उनसे कम सुंदर नहीं माना है अनंत सदाशिव अल्तेकर ने गुप्त मुद्राओं की कला की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि गुप्त मुद्राएं अत्यंत उच्च हस्त कौशल का प्रदर्शन करती हैं तथा बनावट एवं कला में उत्कृष्ट उदाहरण उपस्थित करती हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रकार के प्रकार एक में राजा की पतली किंतु मांसल स्नायु युक्त देह यष्टि अत्यंत मनोहर दिखाई देती है शायद ही उसकी समानता कोई कलाकार कर सके समुद्रगुप्त के बीनाधारी तथा अश्वमेध प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त के चक्र विक्रम एवं सिंह निहंता मुद्रा प्रकार तथा प्रथम गुप, कुमारगुप्त के अप्रतिघ खडगनिहंता गजारोही सिंह निहंता प्रकार के सिक्के सभी निस्संदेह मौलिक हैं वे मुद्राकारों की कला पारंग पारंगतता का पूर्ण परिचय देते हैं गुप्तकालीन सिक्कों पर स्वर्ण युग की कला दृष्टिगत होती है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिक्कों का आकर्षण इतिहासकारों के साथ ही सौंदर्य शास्त्र में भी रुचि रखने वालों के लिए भी है सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं सिक्के राजनीतिक आर्थिक सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालते हैं इसके बाद हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत स्मारक की चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास के अध्ययन में स्मारकों का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है जिस प्रकार भारतीयों ने लेखनी के माध्यम से जीवन के विविध अनुभवों विचारों तथा भावनाओं को प्रकट किया उसी प्रकार छेनी कन्नी तथा तूलिका के माध्यम के द्वारा भी उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया इतिहास के निर्माण में भारतीय स्थापत्यकार वास्तुकार तथा चित्रकार किसी भी प्रकार लेखक से कम महत्वपूर्ण नहीं है स्मारकों के अंतर्गत हम देखेंगे मंदिर स्तूप गुहाएं, बिहार मूर्तियां स्तंभ तोरण चित्र आदि की गणना की जाती है ऐसी कोई कलात्मक वस्तु जो हमें अपने प्राचीन काल की स्मृति दिला सके स्मारक के अंतर्गत आती है प्राचीन भारतीय स्मारकों में इतिहास की अच्छे निधि छिपी पड़ी है स्मारकों से हमें राजनीतिक घटनाओं का ज्ञान कम प्राप्त होता है लेकिन उस काल की सभ्यता एवं संस्कृति पर विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होती है इसके साथ आप देखेंगे कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त स्मारकों के आधार पर हम उसको हम एक नागरिक सभ्यता के रूप में हमारे सामने आता है जो विश्व की किसी भी प्राचीन सभ्यता से कम नहीं थी यहाँ से प्राप्त स्मारकों यहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह कहा जाता है कि भारत में शिव पूजा संधो काल में प्रचलित थी यहाँ के नगरों का दुर्ग विधान कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित दुर्ग सन्निवेश के समान था और इसके साथ साथ आप देखेंगे पाटिलपुत्र के उत्खनन से प्राप्त चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के बने राजप्रसाद के ध्वंसावशेषों से यह पता चलता है कि इस काल तक वास्तु तथा स्थापत्य में लकड़ी का प्रयोग बहुलता से किया जाता था जबकि अशोक के समय से स्थापत्य में पाषाण का अधिक प्रयोग उनके स्तंभों से परिलक्षित होता है कौशाम्बी के उत्खनन से उदयन का राजप्रसाद प्राप्त एवं घोषित राम मिला है जो उस काल की कला के विभिन्न पक्षों के विभिन्न आयामों की जानकारी प्रदान करती है इसके साथ साथ आप देखेंगे देवगढ़ का दशावतार मंदिर तथा भीतर गांव कानपुर का ईटों से बना मंदिर गुप्तकालीन मंदिर कला पर प्रकाश डालता है यह कला का या स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना इसको माना जा सकता है इसके साथ ही आप देखेंगे कि अशोक द्वारा निर्मित कराया गया सारनाथ सिंह स्तंभ कला का सर्वोत्तम रूप माना जाता है उसकी ओप अथवा चमक या पॉलिश भारत और ईरान के संबंध को प्रकट करता है इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सांची और भरहुत के स्तूप से भारत की सांस्कृतिक जीवन की झांकी प्राप्त होती है इन स्तूपों की वेदिका तथा शीर्षों पर अनेक यक्ष नाग अफसरा राजा धार्मिक पुरुषों वृक्षों फलों जातक कथाओं ऐतिहासिक दृश्यों पूजा चिन्हों राज प्रासादों आदि का अंकन प्राप्त होता है जिससे आप उस काल की कला की सम्यक या कला कला की उत्कृष्टता की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं गुप्त काल भारतीय इतिहास का युग काल माना जाता है इस युग के स्मारकों से विशेष रूप से कलाकृतियों द्वारा इस काल का बोध होता है गुप्तकालीन धार्मिक सहिष्णुता का बोध भी हिंदू जैन तथा बौद्ध मूर्तियों से प्राप्त होता है इसी क्रम में आप देवगढ़ भीतर गांव आदि मंदिर से तत्कालीन कलात्मक वैभव की भी सूचना प्राप्त होती है इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो विदेशों से प्राप्त स्मारक हैं वो भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सर्वाधिक सहायक एवं उल्लेखनीय भूमिका के रूप में हमारे सामने आते हैं जिसमें कि जावा मलाया कम्बोज श्याम बोर्नियो आदि स्थानों से प्राप्त स्मारक दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना की कथा कहते हैं भारतीयों ने वहां अपनी शक्ति और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया मलाया के सुन गेई वतु से प्राप्त एक देवालय के अवशेष से यह ज्ञात होता है कि वहाँ शिव पार्वती गणेश नंदी आदि की पूजा होती थी इसके साथ साथ जावा में बोरोबुदुर परम्बनम के विशाल मंदिर कंबोज के अंकुरवाट बोर्नियों के मुकरकमन नामक स्थान से प्राप्त विष्णु की स्वर्ण मूर्ति काम्बे की गुहा सेली बीज में सिकंदेज के पास से मिली बुद्ध प्रतिमा भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश डालती है निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि स्मारक सांस्कृतिक जीवन की अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करती है इसके आधार पर हम सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आने वाले अब आयामों जिसमें अभिलेख मुद्राएँ स्मारक की चर्चा की गई इसके आधार पर आप प्राचीन भारतीय इतिहास का सम्यक मूल्यांकन तथा सम्यक ढंग से उसका अध्ययन कर सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद